DJI Osmo Pocket. Oops. Sorry. Hi guys, मैं मुनीश कुलेरिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. आज मेरे हाथ में है DJI Osmo Pocket. एक वीडियो में इसकी ऑलरेडी डाल चुका हूँ अनबॉक्सिंग की, और आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. लगभग एक महीने से ऊपर हो चुका है और मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी व्लॉग्स भी बना लिए, लगभग 3-4 इसी से ही शूट किए. आने वाले टाइम में जो अभी अपकमिंग व्लॉग्स आएंगे उसमें आप देखेंगे कि और ज़्यादा सिनेमैटिक आपको लुक दिखाई देगा, क्योंकि मैंने एनडी फिल्टर्स ऑर्डर किए. मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैंने Osmo Pocket के एनडी फिल्टर ऑर्डर किया है, और फाइनली वो भी मेरे पास अब आ चुके हैं. सो लगभग मुझे जो जो एक्सेसरीज चाहिए थी वो सारी मेरे पास अब अवेलेबल है Osmo Pocket की, DJI Osmo Pocket. एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताऊंगा. एंड सीरियसली पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि फॉल इन लव विद DJI Osmo Pocket. यस, मुझे इससे प्यार हो गया. इतनी छोटी सी चीज़ है. मैंने GoPro 8 क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने Osmo Pocket लिया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. उनमें से सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि जो GoPro 8 है, जब मैंने ये Osmo Pocket लिया था तब GoPro 9 लॉन्च नहीं हुआ था. सो GoPro 8 या उससे पिछले जितने भी GoPro है, उससे पिछले जितने भी GoPro है, आप जानते हैं कि उनमें फ्रंट स्क्रीन नहीं था. हालांकि वाइड एंगल था, बट फिर भी जब भी आपको शूट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप देख भी पाएं कि आप क्या शूट कर रहे हो. सो 3, 4, 5 सो 5 सेकेंड्स में पूरा रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें टाइनी स्क्रीन है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं. आप देख सकते हैं इसमें खुद को कि आप शूट कर रहे हैं, और एक बटन दबाते ही ये सामने कैमरा टर्न हो जाता है. और इसमें 3-axis गिम्बल है. एक्चुअली में अपने आप में एक गिम्बल है जिसमें कैमरा परमानेंटली फिट किया हुआ है. आपको कैमरा चेंज नहीं करना, ना आप लेंस चेंज कर सकते हैं. हाँ, वाइड एंगल लेंस आप ज़रूर लगा सकते हैं इसमें, और शायद माइक्रो लेंस भी इसमें आता है. वाइड एंगल लेंस मैंने अभी लिया नहीं, और मैं समझता नहीं हूँ कि मुझे वाइड एंगल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने एक सेल्फी स्टिक ले ली और इसका एक माउंट लिया, उसको माउंट में फिक्स करके सेल्फी स्टिक से दूर ये चला जाता है, और काफ़ी वाइड एंगल मिल जाता है, काफ़ी बैकग्राउंड मिल जाता है, और मेरे लिए वो इनफ है. उससे ज़्यादा मुझे वाइड की भी ज़रूरत नहीं है. सो ये कारण है. और स्क्रीन जो पहला मैंने आपको बताया, जो मैंने GoPro नहीं लिया. और दूसरा कारण ये है कि बैटरी जो GoPro की है वो बहुत शॉर्ट बैटरी है. इसकी बैटरी काफ़ी लंबी है, आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेगी, बट उसके बावजूद आप इसको ड्यूरिंग शूटिंग आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, और समझ लो फिर बैटरी तो आपकी एक तरीके की अनलिमिटेड ही होगी. अच्छा खासा, मतलब 256 GB का ये SD कार्ड सपोर्ट करता है, एंड उसमें U3 लिखा होता है. मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि U3 वाला ही ले आप. सो बहुत अच्छा रहेगा. नॉर्मल SD कार्ड अगर आप सोचेंगे कि जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, सिंपल सा 250 रुपये वाला, सो गाइज इसमें काम बिल्कुल नहीं करने वाला है. मैं ट्राई कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं. मेरे पास एक 16 GB का था कार्ड, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप भी साथ में लेके जाता हूँ, तो मैं डाटा खाली करता रहता हूँ. अदरवाइज मोबाइल से बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है. सो स्क्रीन के बाद सेकंड पार्ट जो था वो था बैटरी का. सो बैटरी का इसमें बहुत अच्छा है. एक तो इनबिल्ट है, आप चेंज नहीं कर सकते, बट मैं नहीं समझता कि ये कोई नेगेटिव पार्ट है. आप बैटरी बैंक ले करके इसमें जस्ट प्लग इन कीजिए टाइप सी केबल के थ्रू, और ये चार्जिंग भी होता रहेगा, साथ ही साथ आप शूट भी कर सकते हैं. और इसके बाद जो तीसरा रीज़न ये है कि जो GoPro है, आप देखेंगे अगर आप उसको नज़दीक लेके जाएंगे तो बहुत ही पिचकूसा देता है वो स्क्रीन को, आपकी इमेज को, क्योंकि वो एक एक्शन कैमरा है. लेकिन अगर हम बात करें Osmo Pocket की, तो इसमें आप सिनेमैटिक
काम कर सकते हैं। ये 4K कैमरा है और ट्रस्ट में गाइस, इसकी जो वीडियो है क्वालिटी, आप 101% सेटिस्फाई होंगे। जैसे मुझे ओसमो पॉकेट से प्यार गया, वैसे ही आपको भी ज़रूर होगा। और गाइस, रही बात GoPro की, कुछ प्लस पॉइंट है कि जैसे बहुत ही रफ एंड टफ है, उसको आप अंडर वाटर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी लगभग हर एक तरह की एसेसरी है। अगर आप अंडर वाटर इससे भी शूट करना चाहते हैं तो आप उन एसेसरी के थ्रू शूट कर सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट इसको तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप एसेसरी के थ्रू शूट करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे शॉट्स ले पाएंगे, नो डाउट आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। बट फिर भी अगर आप अंडर वाटर शूट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी को ही लें। बट अगर आप इसको ले करके भी अंडर वाटर करना चाहते तो भी आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। सो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से मैंने ओसमो पॉकेट ली। अभी अगर इन फ्यूचर मैं कोई कैमरे पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं एक्शन कैमरा मैं एक ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन मैं फिर भी GoPro पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी जो है DJI का ही एक्शन 2 आने वाला है और वो ज़रूर आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि DJI एक्शन कैमरा 2 जब आएगा तो वो GoPro से ज़्यादा ही अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी देगा। और वैसे भी अगर आप प्राइस वाइज भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि GoPro का इस टाइम रेट 8 का भी बहुत ज़्यादा है, जबकि आप अगर ओसमो पॉकेट को देखेंगे, क्योंकि ओसमो पॉकेट 2 आ चुका है, सो काश मुझे पता होता तो मैं रुकता और 2 लेता, बट नो प्रॉब्लम, DJI ओसमो पॉकेट अपने आप में बहुत आपको सेटिस्फाई करने वाला कैमरा है। बट हाँ, मैं अब DJI ओसमो पॉकेट 2 तो नहीं लूँगा, क्योंकि लगभग इसमें सारे काम हो जाएंगे मेरे, या हो सकता है इन फ्यूचर लूँ भी, लेकिन 2 से पहले मैं DJI एक्शन ज़रूर लूँगा। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आता है, तो उस पर भी मैं इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करूँगा। सो गाइस, ये सेकेंड वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इसकी एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें एक अडॉप्टर आता है, मैं काफ़ी फिट हो जाता है ये पक्का। सो आई डोंट नो आपको ये दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, लेकिन ये अडॉप्टर इसके साथ आता है। इसको अगर आप अटैच करते हैं तो आप इसके साथ अपने मोबाइल को भी अटैच कर सकते हैं, और आप बहुत बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप क्या शूट कर रहे हैं, और आपको मोबाइल अटैच करने के बाद और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस, ये था आज इस ओसमो पॉकेट की दूसरी वीडियो, और इसका मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम क्या क्या क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कैमरा की एक्सेसरीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊँगा। सो ऐसे ही ओसमो पॉकेट की ही एक यूट्यूब पे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये दूसरी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये कैमरा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली सलाह दूंगा कि आप इस कैमरे को ज़रूर लें, आप 100% सेटिस्फाई रहेंगे। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं GoPro 9 तक भी जा सकते हैं, लेकिन याद रहें कि अभी DJI एक्शन 2 आना बाकी है। सो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप वेट कर लें। अगर मैं वेट करता तो शायद मैं ओसमो पॉकेट 2 लेता, 2 के बारे में भी आपको बताऊंगा, शायद मैं इन फ्यूचर लूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आप मैं 2 लेता तो मुझे और लार्जर सेंसर मिलता, और सेंसर क्या होता है, क्यों हमें बड़े सेंसर का कैमरा लेना चाहिए, वो भी मैं आपको भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि मैं फोटोग्राफी के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, वीडियोग्राफी के बारे में बताने वाला हूं। सो बहुत सारी भी ऐसी वीडियोस आने वाली जो कि आपको काफ़ी नॉलेज देगी। सो गाइस, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बूस्टअप मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको लाऊँगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस कैमरे के लिए, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका मोनीश, लव यू ऑल, गुड बाय।